कि मैं सेंधमारी 80 लाख की चोरी, किसानों को बटने आया 50 लाख भी हो गया चोरी। जबलपुर शाहपुरा बिटौनी थाना अंतर्गत जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जबलपुर में बीती रात चोरों ने 80 से लेकर 90 लाख की चोरी कर ली। बैंक परिसर के पिछले हिस्से की खिड़की गैस कटर से काटी गई। घटना की जानकारी लगते ही एडिशनल एसपी व एसडीओपी पाटन व शाहपुरा पुलिस मौके पर पहुंचकर चोरी के संबंध में संदेहियों से पूछताछ कर रही है। सीसीटीवी बंद बताया जा रहा है। बैंक के सीसीटीवी कैमरे लगभग 1 साल से बंद पड़े हैं। आज सुबह 10:30 बजे बैंक चौकीदार पहुंचा, तब जाकर चोरी की जानकारी लगी। चौकीदार रात में बैंक में नहीं रुका था, वह घर चला गया था। सुबह 10:30 बजे चौकीदार द्वारा बैंक खोलने पर 10-15 मिनट उपरांत बैंक प्रबंधन तक पहुंचने पर वारदात की जानकारी बैंक प्रबंधन राज कपूर शर्मा को लगी। गैस कटर से काटी गई खिड़की और तिजोरी, किसानों को बटने आए 50 लाख रुपए कैश रखा था। कल 80,90,437 रुपए की चोरी हुई है। अस्सी लाख 90,743 रुपए कैश था। अब चोरी होने के बाद में ये तिजोरी खोलेंगे तब पता चलेगा कि क्या बैलेंस बचा हुआ है कि पूरा चला गया। आपको कब जानकारी लगी चोरी की? 10:30 बजे। किसके द्वारा? जो 10:30 बजे जैसे ही हमारे चपरासी ने खोला तो वहाँ का ताला टूटा हुआ था। तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया, हेड ऑफिस को इन्फॉर्मेशन दिया, जिसके बाद अब ये कार्रवाई चल रही है। सर, ये कैमरे की जानकारी लगी है, आपका कैमरा 1 साल से बंद है? हाँ, कैमरे 6 महीने। बड़ी लापरवाही को उजागर करता है। कैमरा तो बंद है साहब, इसके लिए मैंने ऊपर लिखा पढ़ी की थी कि कैमरा को नया लगाया जाए, बदलवाया जाए। 4-5-6 महीने, 6 महीने से नहीं लगता। नहीं लगता। हाँ, बैंक में जानकारी है, बाकायदा तो नहीं है, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। कैमरा खरीदे जा रहे हैं नए, पूरे जिले में लगवाए जा रहे हैं। तो चोरी के बाद ही मतलब लगाए जाएंगे? अब चोरी के पहले लगे थे, बंद है भाई कैमरा। जी नाम बताएं सर, यहाँ कोई चौकीदार क्यों नहीं रहता है? चौकीदार नाइट में है नहीं, दिन का चौकीदार है तो जो दिन में ड्यूटी करता है। कैसे आप रखते हैं तो चौकीदार तो जरूरी? अब वो तो ऊपर लेवल के अधिकारी नियुक्त करते हैं, मेरे को नियुक्ति का पावर नहीं है। तो आपको अवगत तो कराना है? अवगत तो पूरे जिले में है, मतलब अधिकारियों को अवगत है कि चौकीदार रहना चाहिए? नहीं, चौकीदार की ड्यूटी उन्हीं की द्वारा दी जाती है कि कौन चौकीदार को कहाँ पदस्थ किया जाता है। तो इतना कैश होने के बाद आपने अवगत नहीं कराया बड़े अधिकारियों को कि कैश है, चौकीदार की जरूरत है रात में? नहीं, अब वो तो चौकीदार की जरूरत है रात में, तो चौकीदार तो एक ही है ना हमारे यहाँ, वो तो रात दिन में काम किया उसने। दिन में रोज कितना कैश आता है आपको? लगभग रोज कैश का कोई अंदाजा नहीं रहता, जब डिमांड होती तभी आता है। स्पॉट को और वेरीफाई कर रहे हैं कितना पैसा गया है। पीछे से ग्रिल टूटी है और सेफ का ताला जो दोनों खुले हुए हैं, और FSL की हमारी टीम आ रही है। उसके बाद जो बारीकी से निरीक्षण करने के पश्चात पता चलेगा कितना एक कैसे अमाउंट गया है। कल ही इनके पास में 50 लाख रुपये लगभग आया था, बाकी कुछ बैलेंस और था जो किसानों को बटना था। लगभग बैलेंस था इनके पास में? करीबन 87 लाख का बता रहे हैं, और 87 लाख समथिंग का पूरा। बाकी डिटेल और देखते हैं कितना उनका स्टेटमेंट देते हैं और FIR में क्या लिखवाते हैं। अभी FIR होने को है। बताया जाए कुछ नोट जले हुए हैं? वो उन्होंने जो है पीछे से ग्रिल जो है कटर से निकाली है, और बाकी सेफ में भी जो है वो लगाया है चोरों ने, तो उसमें पैसे उसमें जले हैं। कुछ 2-4 जले हुए नोट वहाँ पड़े भी हुए हैं। तो पीछे से जो खाली मैदान है उसकी वजह से पीछे से जो इनकी खिड़की है वहाँ से एंट्री हुई है, अब देख रहे हैं। तिजोरी पूरी शॉप में कुछ कैश छोड़ गए हैं? अभी देख रहे हैं, खोल के एक्सपर्ट हमारे जो देखेंगे उसके बाद ही बता पाएंगे। सर, जो चोरियाँ हो रही सैतरा नगर में, अभी तक बंद होने का नाम ही नहीं ले रही, और ये बड़ी चोरी है? ये निश्चित तौर पर जिसमें तरीके से किया गया है, व्यवसायिक जो है चोर हो सकते हैं, जो आलतन चोर हैं वो हो सकते हैं। इसके बारे में हम लोग जो है पूरी टीम को लगा करके, FSL की टीम और हमारी जो डॉग स्क्वाड और साइबर एक्सपर्ट की जो टीम रहती है, उन सबको लगाया गया है।